इश्किया में कुछ एपिसोड्स इतनी स्लो क्यों हो गई थी? ये हमारा सारी राइटर्स से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको नहीं हमने स्पॉटलाइट पे रखा इसमें, जस्ट टू लेट यू नो, जितने भी राइटर्स से हम बात कर रहे हैं हमें लगता है। If you want the honest answer, no? Yeah. I get paid episode wise. Okay. ठीक है, so? तो मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। लेकिन बोरिंग क्यों हो जाती है एपिसोड्स? मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। तो अच्छी बात है ना, उसको और इंटरेस्टिंग करें, अच्छी एपिसोड निकालें। मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम ट्रेंड बोरिंग होने के ज्यादा पैसे ऑन अ सीरियस नोट, हम ट्रेंड हुए 13 एपिसोड के फॉर्मेट पे। मेरा आपका सबका बचपन 13 एपिसोड के देखने। आज के दौर में प्रोडक्शन वाइज वो वाइबल नहीं है, प्रोड्यूसर बनाएंगे ही नहीं ड्रामे। अब अगर मुझे 13 एपिसोड में इश्किया सुनानी होती तो इट विल बी अ रोलर कोस्टर। जो एक फॉर्मेट मैंने और बदर ने ड्राइव किया है, हम गैर जरूरी सीन नहीं लिखते, हम साइलेंस मोमेंट बहुत ज्यादा डालते हैं। वो तो ज्यादा पेनफुल होता है ऑनेस्टली। मुझे लगता है वो गैर जरूरी बातें शायद और उससे ज्यादा पेनफुल हो आपके लिए। हम स्क्रीन प्ले बेस्ड उसको कर लेते हैं, बट समहाउ बहुत सारी बातें जो कहनी भी होती हैं फिर। सो और नॉर्मल लाइफ में भी फॉरन कन्फ्रंट नहीं होती चीजें, इट टेक्स टाइम। बट कहीं सब मॉनेटरी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इसके अंदर, कि अगर हमें 28 एपिसोड या 30 एपिसोड ना करें तो प्रोडक्शन को वाइबल नहीं पड़ेगा। सो हम सबका, मेरा, ऑडियंसेस का और भी बहुत से लोग इंडस्ट्री, हमें तो कोई मसला ही नहीं, आप 35 दे दें, वी वुड लव टू सी हानिया, फिरोज, रमशायन, गौहर 35 वीक्स के लिए अपनी स्क्रीन पे। मसला हमें आता है कि आप लोग इतना खींच देते हैं कि, और कुछ सीन इतने बोरिंग हो जाते हैं कि हम कहते हैं यार ये आज हमने 45 मिनट्स क्यों बोर किया हमने। ठीक है, नाउ अगर हम इश्किया की एग्जांपल लें, आपने इश्किया लिखा, इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत डिफरेंट आइडिया है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए चलेंगे। इट्स अ डिफरेंट आइडिया, इट्स नॉट रन ऑफ द मिल सास बहू या अफेयर्स या यू नो दो बीवियाँ, वो चीज़ नहीं है, जो भी डिबेटेबल है, बट इट्स अ डिफरेंट आइडिया। सो क्रिएटिविटी तो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, राइट? सो मैं ये पूछ रही हूँ, क्या हम लोग राइटर्स को, चैनल्स, हम लोग, ऑडियंसेस, आप लोग खुद, क्या राइटर्स को इतना क्रिएटिवली पुश नहीं कर रहे कि वो हर एपिसोड में अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें? क्या आप लोग कंफर्टेबल हो गए अपने अपने सीन्स में? नहीं, हम अपनी जगह पे देखें, हम एक चीज़ है, ये है कि अगर मैं सिर्फ राइटर्स के प्रस्पेक्टिव से बात करूं, क्योंकि राइटर से स्टार्ट होगा फिर डायरेक्शन पे आएगा। नहीं, बट उसमें इशू ये आता है कि राइटर की तो जान जाती है एक एक्स्ट्रा सीन लिखते हुए, बट मीडियम की रिक्वायरमेंट मॉनिटरी वाइज ऐसी हो गई है। अगर आप एक चीज मैं बहुत अच्छी लिख दूं और वो वाइबल नहीं है, तो वो ऑडियंस तक पहुंचे ही कि नहीं। लेकिन तो देखें, अगर बिरयानी आ रही है ना और आपको 3-4 इलायचियां मिल रही हैं, तो यार थोड़ा तो आप भी कॉम्प्रोमाइज कर लेना। लेकिन 3-4 इलायचियां तो सही है ना, वो प्लेट मुझे बताएं ना, मैं प्लेट भरी भी हो जाती है ना, कम से कम 15 इलायचियां मिलती हैं हमें उस पे। मुझे लगता है कि फिर क्योंकि फॉरवर्ड का बटन टीवी पे नहीं है ना, मसला ये यूट्यूब पे नहीं, बट हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आई फील कि मुझे लगता है जो मेजर इशू है दैट हमारे लिए बहुत सारी, अब इश्किया एक स्टोरी है जो आई थिंक 25-26 एपिसोड्स पे होती, 23 तो वो मैनेज कर जाती, तो थोड़ा अगर वो मॉनिटरी वाइबल नहीं हो रही थी तो हमें ऑब्वियसली वो स्ट्रेच आउट करना पड़ा, और अब वो मीडियम की रिक्वायरमेंट है जो सच्ची बात है। बट ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं हो सकती। Okay. मतलब मुझे, आई कैन डिफेंड एवरी सिंगल सीन कि उसकी क्या वजह होगी, एटलीस्ट आई ट्राई कि अगर ये इसका मकसद सिर्फ ड्यूरेशन ना हो। देखिए मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ ड्यूरेशन का, कि कहाँ आपको ड्यूरेशन बुरी लगनी चाहिए। जब मैं कैरेक्टर्स ने बेडरूम में एक बात की, एक कैरेक्टर निकला, उसने लाउंज में आके दूसरे कैरेक्टर से वही बात की, फिर वो लॉन में गया, वही बात हुई, और फिर डाइनिंग टेबल पर सबने वही बात की, ठीक है, दैट शुड हर्ट। एटलीस्ट इश्किया में आपको ये नहीं मिलेगा, मेरे ड्रामे में एटलीस्ट, या किस नॉर्मली बहुत सारे में, दैट इज बैड ड्यूरेशन, जो कि आप घुमाते रहे उसी एक बात को, देयर विल बी नो रेपिटेशन। बट स्क्रीन प्ले वाइज टाइम स्क्रीन को लेना, म्यूजिक के साथ लेना, वो समहाउ वो बहुत कोलैबोरेटिव है, वो डायरेक्टर की तरफ से भी है, वो राइटर की तरफ से भी है। बिल्कुल, देखिए आपने लिखा है, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, आप लोग बड़े टैलेंटेड माशाल्लाह से एंड प्रोफेशनल्स हैं विद सो मच एक्सपीरियंस, सो कोई वजह, कोई रीज़न होगा, बट वो सिर्फ वो ये डिस्कशन हो रही है, जैसे हम कॉन्वर्सेशन करें कि मे बी हम उसको, हम एक और सजेशन आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम मासूम लोग, कि मे बी रोमांस ज़्यादा डाल दें, जैसे हानिया और इस बार इश्किया का अगर लें, हानिया का और इसका फिरोज के जो एक दो एपिसोड्स में था, वो थोड़ा सा मजाक अगर खींचना ही है ना हमने, 35 प्रोडक्शन हाउस हैज़ टू ब्रिंग इट टू 30, तो मे बी हम उसमें थोड़ा सा वो ज़्यादा डाल देते, थोड़ा सा यू नो मजाक ज़्यादा डाल वो देते, शायद तो वो आपको थोड़ी अच्छा इसलिए लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा नहीं था, फिर उससे भी बोर हो जाते। तो
बट सम हाउ आई मीन आई अग्री के इफ सो आर वी सेइंग कि राइटर्स एंड डायरेक्टर्स आर नॉट केपेबल ऑफ गिविंग अस गुड कंटेंट नो नो दे आर कंटेंट दैट विल कीप अस hooked to the screens see are we as writers and directors giving up and telling the audience ki bas jo hai bas yahi hai aap le lein nahi nahi koshish ho sakti hai na bilkul ho sakti hai but hame usko cost effective karna hoga sirf ye responsibility badi fir lambi hai if we say na that actors had to cut down their budgets नहीं एपिसोड्स हम 30 रखेंगे नहीं नहीं बट वो वाइबल कब होती है मैं आपको बताता हूँ कि जब ओवरऑल एक कॉस्टिंग उसकी पर एपिसोड निकलती है तो फिर सबको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी आई एम रेडी फॉर इट आप मुझसे 13 एपिसोड ड्रामा लिखवाएं आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आई कैन स्टार्ट इफ यू वांट मी अ 13 एपिसोड प्ले आई एम रेडी टू राइट जितने पैसे मैं अभी लेता हूँ उससे 40% कम है लेकिन उस प्रोजेक्ट को फिर वाइबल बना लीजिएगा नहीं नहीं 30 नहीं मैं बिकॉज राइटर के लिए तो सबसे अच्छी बात है कि कम एपिसोड हो और मेरे जैसे लेजी के लिए तो बहुत अच्छी बात है इवन राइट नाउ अगर मेरे आप स्क्रिप्ट देखें तो वो 20 एपिसोड से ज्यादा नहीं होते क्यों 20 एपिसोड बिकॉज मुझे ये नंबर परेशान करता है तो मैं बदर से मेरी ये डिस्कशन होती है कि बदर हम सीन्स बहुत ज्यादा लिख देते हैं बट जस्ट टू रिलैक्स मी ना इसको 20 रखते हैं तो बाद दफा होता है वो 1.5 एपिसोड के बाद एंड एक्चुअली राइटर लिख तो देता अब मुझे नहीं बताओ एपिसोड फ्रीज कहाँ होगी बिकॉज उसको जब शूट होना है तो आई बिलीव जब मैंने स्क्रिप्ट दे दिया तो अब वो डायरेक्टर का है एंड ही हैज ऑल द राइट्स टू डू व्हाट एवर ही वांट्स वो लाइन चेंज करना चाहता है वो सीन चेंज करना चाहता है क्योंकि ये उसकी जॉब है और उसका हक बनता है आप तो बड़े अच्छे राइटर हैं ये नहीं हो सकती तो आप शेक्सपियर थोड़ी हैं मतलब हम कुछ ऐसा तो नहीं लिख रहे जो दुनिया में पहले हुआ नहीं है या मतलब उस जो डायरेक्टर है उसको उसका एक्सपोजर नहीं कुछ है कुछ राइटर्स बड़े पोजेसिव होते हैं ना कि नहीं मैंने जैसा लिखा है ऐसा ही होना चाहिए तो वो शूट कर लिया करना या नहीं जो अब मेरे हिसाब से बहुत कम राइटर्स ऐसे होंगे बट जो हैं वो इफ दे अग्री मेरे और बदर के बहुत डिसएग्रीमेंट है बट काम को लेके इश्क पे कोई डिसएग्रीमेंट हुआ बहुत ज्यादा मतलब मैं आपको मतलब आई थिंक एंड को लेके हमारा बहुत था कि हमने क्या करना है बहुत दफा होता है कि हम एक सीन को लेके एक हफ्ते तक डिस्कस कर रहे होते हैं अनटिल अनलेस वी डोंट फाइंड अ म्यूचुअल ग्राउंड टू इट और वो मुझे कन्विंस कर ले या मैं बदर को कन्विंस कर लूं दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग विद हिम लास्ट 5 सीज़ कि वहां ये पता है कि अच्छा जो बहस हो रही है वो सिर्फ वर्क रिलेटेड है बाकी मैं तैयार हूँ 13 एपिसोड के ड्रामे के लिए नहीं मैं आपको 13 एपिसोड क्योंकि ऑफ कैमरा इन्होंने बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बातें बताई कि इनको किसी ने बोला कि मजा नहीं लिख सकते फिर उन्होंने नहीं आप मजा लिखते हैं आप सीरियस नहीं लिख सकते फिर उन्होंने मोरा पिया लिखा फिर किसी ने कुछ और बोला तो आपने वो भी किया तो मैं वैसे ही आइडिया दे रही हूँ कि 30 एपिसोड मोहसिन अली लिख सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव लिख सकते हैं जिसमें एक में भी हम बोर नहीं हो मे बी है ना अच्छा एक और चीज़ है वे देश किया शुरू में इतना तेज था ना कि वो जहाँ थोड़ा सा भी स्लो हुआ वो ज्यादा फील हुआ